मोदी सरकार का बड़ा कीर्तिमान। नीति आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी 5% से हुई कम। मेरे लिए तो जाति अगर कोई है, देश की सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। और अगर गरीब को गरीबी से बाहर निकालेंगे ना, तो ये देश समृद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुने से अधिक हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार द्वारा लागू गरीबी उन्मूलन के उपाय धरातल पर कारगर साबित हो रहे हैं। NSSO की रिपोर्ट की माने तो 2011-12 में गांव में हर महीने प्रति व्यक्ति खर्च 1430 रुपए था, जो 2022-23 में 164% बढ़कर 3773 रुपए हो गया है, जबकि शहरी इलाकों में परिवारों में प्रति व्यक्ति खर्च 2011-12 में 2630 रुपए से 146% बढ़कर 2022-23 में 6459 रुपए हो गया है, जिससे पता चलता है कि अब आर्थिक विकास का लाभ सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचा है। वहीं इस पूरे सर्वे पर नीति आयोग का कहना है कि शहरों के मुकाबले गांव ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के पास अब अतिरिक्त आय आ रही है, जिसके कारण लोग दूध, फल व सब्जियों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले साल 2024 की शुरुआत में ही नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और तब भी नीति आयोग ने मोदी सरकार द्वारा चलाई गई गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लोहा माना था, क्योंकि मोदी सरकार में जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हर गरीब की थाली तक अन्न पहुंचा है, तो वहीं जन धन योजना, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से गरीबों का जीवन बेहतर हुआ है, और साथ ही आयुष्मान योजना के जरिए गरीबों को नया जीवन दान मिला है। ये मोदी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है, जो आज नीति आयोग और NSSO की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज धीरे धीरे गरीबी के चक्र को तोड़कर विकसित भारत के अपने संकल्प की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहा है।